गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल निहारिका सिंह ऑफिशियल। और आज फिर एक नया ब्लॉग में आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसे कि सुबह हो चुकी थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया है और मैं मंडे से डाइटिंग शाइटिंग करूँगी, एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन सब कुछ स्टॉप कर दिया था। मैं चली गई थी थोड़ा काम से बाहर, इसीलिए फिर आज से मेरा डाइटिंग शाइटिंग चालू होगा। तो डाइटिंग स्टार्ट करने के लिए मेरा पहला प्रोसेशन है वार्म वाटर, तो इसको पी के फिर मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगी। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे। तो आज भी मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के लिए कहीं भी मैदान में पानी जमा हुआ है, सारे मैदानों में, और छत पे भी बारिश हो रही तो ऑफिस की छत पे होगी भी। तो मेरा एक्सरसाइज आज भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डाइटिंग मेरी जारी है और मैं 16 घंटे बाद डाइटिंग करूँगी। 16 घंटे का डाइटिंग मतलब ऐसा होता है कि मैंने जिस टाइम पे खाना खाया उस टाइम से आज तक दिन के 16 घंटे जितने टाइम पे होता है उतने टाइम तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ हाँ पानी पी सकती हूँ। और जो लोग भी डाइटिंग करते हैं वो लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। और इस 16 घंटे की डाइटिंग को कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इसमें बहुत जल्दी बॉडी लॉस होता है, बॉडी वेट लॉस होता है। तो जो भी अपने बॉडी वेट को लॉस करना चाहता है, अपने बॉडी वेट को कम करना चाहते हैं, वो लोग इस प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोसेसिंग है। और इसके बाद ही तुरंत, मतलब फास्टिंग टूटने के बाद ही तुरंत चावल वावल नहीं खाना है, कुछ हल्का फुल्का खाना है। तो देखते हैं कल एक्सरसाइज का मौका मिलता है कि नहीं, फिलहाल तो आज नहीं मिला। हे फ्रेंड, आज मैं इस साड़ियों से डोरमेट बनाने वाली हूँ। डोरमेट जब बनके तैयार हो जाएगी तो मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस साड़ी से बनाऊँगी। पिछली बार भी मैंने बहुत सारे डोरमेट बनाए थे जो कि अब ख़राब हो चुका है, तो फिर से नया कुछ करूँगी, क्योंकि मैं डोरमेट ख़रीदती नहीं हूँ, ऐसे साड़ी वाड़ी से बना के ही अपने घर पर रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को डोरमेट भी पसंद आएगा और आप लोग कल का ब्लॉग भी देखना चाहेंगे। आज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं अपने कुछ पेपर क्राफ्ट आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वो भी करूँगी। पर चलिए पहले मैं इस डोरमेट को रेडी कर लेती हूँ। जैसा कि फ्रेंड मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आज अपना पेपर क्राफ्ट दिखाऊँगी आप लोगों को, कि मैंने पेपर से क्या क्या बनाया है नहीं बनाया है। जैसे कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अपलोडिंग का टाइम भी होने जा रहा है। और ऐसा है कि लॉकडाउन में घर पर रह रहे के सब परेशान हो चुके, इसलिए जैसे आज जितने फ्रेंड थे मेरे सारे आज ही फ़ोन कर रहे थे, इसका फ़ोन काटो वो फ़ोन करे, इसका फ़ोन काटो वो फ़ोन करे, फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल आते जा रहा। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई फ़ोन से, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। मेरा अपलोडिंग का टाइम होता है 6 बजे और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी टाइम पर अपलोड करूँ। तो चलिए आज ज़्यादा बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए दिखाती हूँ मैं अपना पेपर क्राफ्ट। देखिए ये एक, ये पूरा पेपर से बना हुआ था, ये पूरा न्यूज़पेपर का बना हुआ है पूरा, बस ये फ्लावर खाली आर्ट पेपर का बना हुआ है, कलरिंग आर्ट पेपर का बना हुआ है, बाकी पूरा ये पेपर का है। देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये है एक और ये है एक, ये मैंने ऐसे ही बना लिया था, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, पर उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। ये देखिए ये वॉल हैंगिंग के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि फ्रेंड ये वॉल हैंगिंग है और ये दीवार में टांगने के लिए बहुत खूबसूरत लगता है, जब ये मेरे दीवार पे रहता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ ये वाकई में बहुत खूबसूरत है और इसे बनाने में भी, ये दिखने में जितनी आसान है उतना आसान नहीं लगता है, बनाने में भी थोड़ा दिक्कत हुआ है मुझे। और ये है मेरा तीसरा वॉल हैंगिंग ही है, इसे आप फ्लावर स्टिक कह सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा छोटा सा क्यूट सा है, बड़ा प्यारा सा है,
देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा पेपर का बना हुआ है, पूरा पेपर का बना हुआ है और ये सब दीवारों पे टांगने से बहुत खूबसूरत लगता है। पहले बात तो ये खुशी होती है कि मैंने खुद से अपने से बना के अपना घर सजाया है, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो छोटे छोटे फूल, ये एक्चुअली मेरा सब कुछ मतलब एक्सेस हो गया था, बच गया था, एक्स्ट्रा कागज़ से एक्स्ट्रा पेपर से मैंने बनाया है। और ये रहा तीसरा आइटम, ये मैंने बनाया था, देखिए इसको अच्छे से देखिए। और ये है, इसको मैंने बनाया था अपने ओवन का बॉक्स काट के, जी आप देख सकते हैं, इसको मैंने अपने ओवन का बॉक्स काट के बनाया था। ये तो जानते ही आर्ट पेपर का बना हुआ है। और ये बीच में फ्लावर भी देखिए, सनफ्लावर जैसा है, बड़ा सा, बड़ा क्यूट सा है, बहुत अच्छा लगता है। ये जब ऐसे स्टैंड में रहता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और चौथे नंबर पे है जिसे मैं थोड़ा, और ये भी वही है, इसको भी मैंने पेपर से बनाया है पर इसमें अभी फ्लावर नहीं बना है। इसकी यहाँ पे जो फ्लावर रखने का है अभी बना नहीं है, इसको भी फ्लावर में, फ्लावर इसमें रख दूँगी तो और ये खूबसूरत लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए है ना खूबसूरत। फिलहाल मेरे पास इतने क्रिएशन बने हुए हैं और जितना है मेरे पटना वाले रूम पे रखा हुआ है और जितने बनाते हैं कोई ना कोई मांग के लेके चला जाता है। और एक है ऊपर टांगा हुआ है, वो तो उतार नहीं सकती, वो इंची बनी हुई है, बहुत खूबसूरत सा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर आपको दूसरे वीडियो में दिखा सकती हूँ और अपना एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये एक है, ये है दो, और ये मेरा कुछ कुशा है, एकदम छोटा सा प्यारा सा कुछ कुशा है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरा सबसे अच्छा लगता है मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये जब दीवार पे रहता है तो बहुत प्यारा सा लगता है। इसे मेरे एक दोस्त ने मांगा भी था, मैंने नहीं दिया, मैं बोली नहीं तो मैं फिर दूसरा बार बना के दूँगी मैं। और वो जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम है कमल, वो बहुत अच्छा, उसका हैंडवर्क बहुत अच्छा है, वो मसालों से इतना खूबसूरत सा मतलब गांव बना देता है कि देखने लायक है। मैं कोशिश करूंगी उसकी भी, उसके बनाए हुए सारे सामान मैं आपको दिखा पाऊँ। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा, जैसे वो ड्रॉ करता है वैसे ही वो मिट्टी हो, कुछ भी हो, उससे भी कुछ भी बना देता है। मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे क्या कर लेता है, पर वो बहुत, उसका हाथ का काम बहुत अच्छा है। और वो मेरा बेस्टी भी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बचपन का दोस्त है। मेरे ऐसे मेरे फ्रेंड में तो बहुत है, पर मेरे दो फ्रेंड बहुत ज़्यादा जिगरी है, आप बता सकते, बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड फ्रेंड है वो मेरे। एक का नाम है प्रदीप, एक का नाम है कमल, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे मुसीबत में, दुख में, सुख में हमेशा वो साथ रहते हैं। और वो दोस्त किस काम का जो दुख में साथ ना है, वो मेरे ऐसे फ्रेंड है कि भले एक बार खुशी में मेरे सपोर्ट ना कर पाए पर मेरे दुख में, मेरे तकलीफ में वो लोग हमेशा साथ रहते हैं। और ये जो है सन, संतरीवाल है, ये भी बहुत खूबसूरत सा है, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लगता है। तो बस आज इतना ही, और मैं आपको कहना चाहती हूँ एक बार फिर कि आपको अगर मेरे चैनल में और कुछ देखना है और कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग जो देखना चाहते हैं मैं वही दिखाऊँगी। और ये जो सामने से जो काय की चिर की आवाज़ सुन रही है वो मेरे दो बेटे हैं, बड़े शैतान हैं, बहुत बदमाश है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उनका भी YouTube चैनल बहुत जल्द आने वाला है, वो अपना गेमिंग चैनल खोलने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइब जो लोग हैं, सब्सक्राइबर जो लोग हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं, मेरे फैमिली वाले जो हैं, वो उनके भी चैनल को उम्मीद करती हूँ सपोर्ट करेंगे। बहुत जल्द उनका भी चैनल ओपन होने वाला है। और आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद वो पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटिए
और अच्छे से रहिए। लॉकडाउन का है, कोरोना चल रहा है और अभी और एक बीमारी आई हुई है ब्लैक फंगस, तो इससे अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और बाहर वालों को भी सेफ रखिए। खुद सेफ रहेंगे तो बाहर वाले भी सेफ रहेंगे और बाहर वालों से दूर रहेंगे तो खुद सेफ रहेंगे। मास्क के अलावा कहीं बाहर ना जाए, बहुत ज़रूरी काम ना आए तो घर से बाहर ना जाए। चलिए नमस्ते, बाय बाय।